आज आधुनिक युग में इंसान ने काफ़ी कुछ बनाया है, लेकिन इंसानी रचना से ज़्यादा रचनात्मक और खूबसूरत प्रकृति की रचना है। सौंदर्य का वह स्वरूप जिसे देखने से ही मन खुश हो जाता है। इनके आकार, रंग, रूप, ध्वनि को देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति द्वारा इन्हें बेहद ही खूबसूरत ढंग से सहेजा गया हो। खूबसूरती का अद्भुत मेल आपको इन पक्षियों में देखने को मिलेगा। ये पक्षी दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक हैं, जो आपको अपने जीवन में शायद ही कभी देखने को मिले, क्योंकि ये इंसानी दुनिया से शोर शराबे से दूर पहाड़ों में, जंगलों में निवास करते हैं, लेकिन इनको देखने की आपकी इच्छा हम पूरी कर देते हैं। तो रिलैक्स होकर बैठ जाइए, वीडियो पूरी देखिए और आनंद लीजिए इनकी खूबसूरती का। दोस्तों नमस्कार, मैं राजा मीणा और आप हैं फैक्ट फ्लोर पे। नंबर 10 पे गहरे नीले रंग के दिखने वाले इस पक्षी का नाम हाइसिंथ मकाऊ है। इसके शरीर का नीला रंग, आँख और उसके नीचे पीली धारियाँ और काले रंग की चोंच इसके स्वरूप को अद्भुत बनाती है। इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर तक होती है। ये तोते के प्रजाति का पक्षी है जो उत्तरी ब्राजील में पाया जाता है। दुनिया में इनकी आबादी 5000 के आसपास है। ये दिखने में जितने खूबसूरत हैं उतनी ही प्यारी इनकी आवाज़ भी है। हाइसिंथ मकाऊ ब्लू मकाऊ के नाम से भी जाने जाते हैं। शानदार कलर का कॉम्बिनेशन और उसके साथ लंबी चोंच। इस पक्षी का नाम कील विल टुकेन है और इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और वजन 4 किलो के आसपास होता है। आपने देखा होगा आमतौर पर पक्षियों की चोंच पर ज़्यादा मिश्रण होते नहीं हैं, लेकिन इसकी चोंच पर हरे, लाल और पीले रंग का कलर कॉम्बिनेशन है जो बहुत ही शानदार लगता है। अपनी लंबी चोंच का उपयोग ये पक्षी कीड़े, अंडे, छिपकली इनको मारकर खाने में करता है। ये पक्षी दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। बुड्डक नामक ये पक्षी बदक प्रजाति का है, जो देखने में बेहद खूबसूरत और आकर्षक लगता है। इस पक्षी की खासियत यह है कि पानी के अलावा ये पक्षी पेड़ में सुरंग करके अपना घर बनाते हैं। इनके शरीर का कलर कॉम्बिनेशन और इनकी खासियत किसी का भी मन मोह लेती है। बुड्डक नॉर्थ अमेरिका के जंगल के दलदली हिस्सों में निवास करते हैं और इनकी प्रजाति दुनिया में बहुत ही सीमित है। मध्यम आकार के इस खूबसूरत पक्षी को बोहेमियन वैक्सिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि ज़्यादातर उत्तरी अमेरिका, कनाडा, अलास्का और यूरेशिया के जंगलों में पाया जाता है। इसके सर पर एक कलगी होती है जो इसकी सुंदरता को बढ़ा देती है। इसकी चोंच का रंग काला होता है। इसकी सुंदरता के साथ साथ इसकी आवाज़ भी बहुत मधुर होती है, जिस वजह से इसे सॉन्ग बर्ड भी कहा जाता है। ब्लू जय सुंदर होने के साथ साथ दुनिया के सबसे बुद्धिमान पक्षियों में से एक है और ये पूर्वी और मध्य उत्तर अमेरिका के जंगलों में पाए जाते हैं। इस पक्षी की सबसे खास बात यह है कि ये अपने चोंच से जय जय की ध्वनि निकालते हैं और साथ ही ये अनेक पक्षियों की आवाज़ भी निकाल सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ब्लू जय अनेक पक्षियों के अलावा इंसानी आवाज़ को भी निकाल लेते हैं। नीले रंग का दिखने के कारण और जय जय की ध्वनि निकालने के कारण इस पक्षी को ब्लू जय नाम से जाना जाता है। अटलांटिक पफिन नामक यह पक्षी उत्तरी अमेरिका और पूर्वी कनाडा के समुद्री तट पर पाया जाता है। इसके हाव भाव और रहन सहन के कारण इसे समुद्री तोता भी कहा जाता है। इनमें उड़ने के साथ साथ पानी में छलांग लगाने की कमाल की क्षमता होती है। आप हैरान हो जाएंगे, हवा में यह 55 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और पानी में 60 मीटर की गहराई तक जा सकता है। जी हाँ, 60 मीटर की गहराई तक ये मछलियों को पकड़ने के लिए जा सकता है। मुझे पर्सनली ये पक्षी बहुत पसंद है। 14 नंबर पर है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। की खासियत यह है कि इनके पंख बहुत लंबे, घने और बहुरंगी होते हैं। भारतीय पक्षियों में मोर की प्रजाति बहुत मशहूर है। सावन का मौसम आते ही मोर पहाड़ी, जंगली और बाग बगीचे वाले इलाकों में आराम से देखने को मिल जाते हैं। कहा जाता है कि मोर सावन की बारिश में नृत्य करने बाहर निकलता है और अपने पूरे पंख फैलाकर नृत्य करता है। आपने कई बार इसे देखा हो, कमाल की खूबसूरती। नंबर 4 का ये पक्षी फ्लेमिंगो है। इसकी लंबाई 4 से 5 फीट होती है और वजन 3 से 4 किलो के बीच होता है। ये पक्षी दुनिया के कई देशों में पाया जाता है। नारंगी और सफ़ेद रंग का मिश्रण के साथ ये पक्षी दिखने में बेहद ही शानदार, खूबसूरत और लाजवाब। फ्लेमिंगो को समुद्री इलाके बेहद पसंद आते हैं, इसी वजह से ये ज़्यादातर समुद्री स्थान के आसपास ही पाए जाते हैं। इनके शरीर का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो कमाल है। अपनी लंबी चोंच से ये मछलियों को और समुद्री कीड़ों को पकड़कर खाते हैं। दुनिया के सबसे खूबसूरत और बहुरंगी पक्षियों में से एक स्कारलेट मकाऊ। ये तोते के प्रजाति का पक्षी है जिसे नॉर्थ अमेरिका में कई लोग अपने घर में पालते भी हैं। स्कारलेट मकाऊ की लंबाई 80 से 90 सेंटीमीटर तक होती है और इसका वजन 1.5 किलो से 2 किलो के बीच होता है। स्कारलेट मकाऊ की उड़ने की क्षमता कमाल की होती है और ये अपने पंखों को लगातार तेजी से फैलाकर 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। लाल, पीले, नीले और अनेक रंग के कलर कॉम्बिनेशन के साथ ये दिखने में बेहद ही आकर्षक लगते हैं। दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षियों की सूची में गोल्डन फेजेंट पहले स्थान पर है। इसकी खूबसूरती और रंग बिरंगी छवि ही इसे पहले स्थान के योग्य बनाती है। सुनहरे और लाल रंग के कारण इसे गोल्डन फेजेंट नाम दिया गया। इसकी खूबसूरती के बारे में क्या कहूँ, आप देख ही रहे हैं, मतलब कमाल ही है। इसकी लंबाई 22 इंच के आसपास होती है। ये पक्षी दुनिया के कई देशों में पाया जाता है। इसकी आबादी सबसे ज़्यादा पहाड़ी और जंगली इलाकों में पाई जाती है।
थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम ऐसी खूबसूरत और फैक्ट से जुड़ी वीडियोस लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए फैक्ट फ्लोर।